हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने जो मैस्टेक्टमी, बेसिकली जो फीमेल टू मेल या एफटीएम पेशेंट्स जो होते हैं उनमें दो तरीके से मैस्टेक्टमी प्लान की जाती है टॉप सर्जरी। एक तो होता है की होल, जिसमें कि आपके की होल समवॉट लाइक गायनेकोमेस्टिया रहेगा, उसके अंदर प्रोसीजर अप्रॉक्सीमेटली द सेम रहता है कि आप लाइपोसेक्शन करेंगे और ग्लैंड रिमूवल करेंगे। और जिनके अंदर आपके जो ब्रेस्ट का साइजेस कंपैरेटिवली सिग्निफिकेंट रहता है, कि जिनको कि हमको पता है कि हम अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे सकते सिर्फ लाइपोसेक्शन के बाद में, और जो हम गायनेकोमेस्टिया टाइप प्रोसीजर करते हैं उसमें रिजल्ट्स नहीं दे सकते, उन पेशेंट्स को हम लोग डबल इंसिजन एडवाइस करते हैं। बेसिकली डबल इंसिजन उन्हीं पेशेंट्स में किया जाता है जिनमें कि आपको स्किन की अवेलेबिलिटी या लैक्सिटी ऑफ स्किन ज़्यादा रहेगी और फैट एंड ग्लैंडुलर पार्ट दोनों कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनमें अगर हम बाद में अगर हम सिंपल गायनेकोमेस्टिया की तरह प्रोसीजर करेंगे या की होल जिसको हम बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में अपनी, तो उनके पेशेंट्स के अंदर फिर हमारी स्किन की लैक्सिटी बहुत रहेगी, तो वो आगे उसके रिजल्ट कॉस्मेटिकली अच्छे नहीं होते। तो आप इनके अंदर सबसे पहले रहेगा कि सबसे पहले हम मिडलाइन मार्क करेंगे, आपके ये इंफ्रा मेमोरी फोल्ड वाला पार्ट आता है जहाँ आपके इंफ्रा मेमोरी फोल्ड है, बेसिकली हमको इसमें वो देखना होता है जिससे कि हम ब्रेस्ट को आराम से क्लोज कर पाएँ और हमारे पास स्किन की जो लैक्सिटी है वो पोस्ट सर्जरी कम से कम रहे। बेसिकली हमको ये भी देखना होता है कि जो हम स्किन वाला पार्ट जो भी रखेंगे वो स्किन जो बाद में रहे उसमें लैक्सिटी मिनिमम रहे, और जिससे कि आपको फैट वगैरह पूरा निकल जाएगा। आपको पता है इस प्रोसीजर में एग्जैक्टली क्या करेंगे? देखो, यहाँ इंसिजन लगता है, ये निपल वाला पार्ट है, यहाँ से इसको एक्सरसाइज करके इसको ग्राफ को निकाल लेते हैं। यहाँ छोटा इंसिजन लगता है, इससे ब्रेस्ट वाला पार्ट पूरा निकल जाता है, और उस चीज़ को हम फिर जो ये वाला ग्राफ्ट होता है इसको हम ऊपर से लाके नॉर्मली जो हमारा पोजीशन रहता है मेल्स के अंदर वहाँ पर हम ऊपर लाके इसको टांकों से स्टिच कर देते हैं। बस इसमें ये फ़र्क रहेगा कि उसके अंदर आपको कंपेरेटिवली ऐसे जो छोटे देग दिखते हैं और यहाँ पर निशान रहता है, इसमें आपको निशान जो आएगा वो एक सिंगल सिंगल लाइन आती है, एक निशान ये आएगा क्योंकि हम दोनों स्किन को बंद करेंगे, और इसको क्योंकि हम अगर हम सिंपल वो करते हैं की होल के थ्रू तो ये स्किन इतनी ज़्यादा है उसके चला जाता है ना निशान बहुत हल्का हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि थोड़े टाइम में अभी हार्मोनल वगैरह चलेगा अच्छे से, तो क्या शरीर पे बाल आ जाते हैं, निशान बाद में दिखता ही नहीं, क्योंकि मेल्स की तो पहचान रहेगी ना बाल वाली, वो लाइनिंग जो नीचे से बता रहे हैं आपको स्ट्रेट रहेगी ना, हाँ सीधी है, हाँ वो सीधी रहती है ना, थोड़ा सा कर्व आता है क्योंकि नॉर्मली आप देखोगे ये देखो ये कर्व है, तो हल्का सा कर्व आएगा ही आएगा, वो नॉर्मली सबके होता है के क्योंकि जो ब्रेस्ट वाला पार्ट रहता है वो उसकी शेप ही ऐसी होती है, वो ऐसी नहीं होती, वो ऐसे होती है शेप, तो राउंडेड रहेगा। और कुछ पूछना है? डॉग ईयर्स तो नहीं? नहीं 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 नहीं, देखो डॉग ईयर के हम लोग कोशिश करते हैं क्योंकि डॉग ईयर कम से कम बने, या डॉग ईयर रहेगा ना तो कम से कम हमारे को सामने नहीं दिखना चाहिए डॉग ईयर कभी भी, कि वो इसीलिए हम इंसिजन अभी ये बड़ा है वो तो ऑन टेबल और छोटा हो जाएगा ये, जिससे कि डॉग ईयर हम करेक्शन इसी हिसाब से करते हैं कि आपको डॉग ईयर वाला पार्ट नहीं रहे, और रहे तो वो पीछे रहे जी सर, पर हम लोग करते हैं उसमें हमको ज़्यादातर केसेस के अंदर हमको कोई डॉग ईयर बाद में पोस्ट ऑपरेटिव मिलता नहीं है, वो करते हुए काटते हुए टाँके इस तरह से लगाते हैं कि अगर डॉग ईयर वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाए, क्योंकि ऑन टेबल तो सब चीज़ें करेक्ट कर सकते हो, बाद में दिक्कत आती है तो वो नौबत अपने को आने नहीं देनी। कुछ पूछना है? नहीं।